What's up guys, welcome back to my channel. Obviously on YouTube और मेरे को बता दो आप सारे कैसे से हो? बढ़िया, सही बात। तो आज का प्लान ऑफ एक्शन है कि सबसे पहले अभी एक घंटे में इस होटल से चेकआउट करना है, फिर दूसरे होटल में हमें ऑलमोस्ट 50 मिनट्स में ये होटल से चेकआउट करने का है और दूसरे होटल में चेक इन करने का है, फिर लंच करना है, फिर साउथ के बीचेस पे जाना है, फिर घर आना है। बस आज का यही प्लान है दोस्तों। मेरी मम्मी तो सुबह सुबह उठ के स्विमिंग पूल में भाग गई, क्योंकि मेरी मम्मी को स्विमिंग पूल बहुत पसंद है, स्विमिंग करने का मन कर रहा है। मम्मी तो भाग गई स्विमिंग पूल, अभी हम लोग रेडी होते हैं, हम लोग फट से निकलते हैं। क्या बोलते हो? चलो आया। मेरा लास्ट का स्विमिंग लेना चाहिए था तेरे को। क्यों? स्विमिंग करते हुए बीच में से कर रही थी ना, जिधर ज्यादा पानी है। चल ना, कोई नहीं है, लास्ट ज्यादा पानी में तू बोल रहा था ना कल, डुबकी जोर से मार के कूद के तो आता हूँ। नहीं, कूद के नहीं मारती। नहीं तो नहीं आता हूँ, ऐसे मत कर रहे। बहुत अच्छा स्विमिंग करेगी मैं अभी, देख कल से बॉडी हल्का हो गया ना। मम्मी क्या तुझे स्विमिंग आता है? आजा आजा आजा, चल जाने का, लेट हो रहा है। अरे मेरे को लगता है मेरी मम्मी वसूल रही है पैसा। पैसा वसूल कर लिया स्विमिंग कर करके, मजा आ गया। मैं गांव से आई तब से मैं कभी स्विमिंग नहीं किया, 27 साल बाद कभी नहीं किया मैंने स्विमिंग, कभी नहीं किया। आज देखो कॉन्फिडेंस आ गया ना, होता है ना, होता है, जम गिर जाता है जम। हाँ रिया, आज बीच में से किया तो एक डर रहेगा ना रे, शरीर वजन हो गया, बीमारी लग गया, मेरे को हाई प्रेशर। हाँ गीला मत कर पूरा घर, अभी पूरा घर गीला कर रही है। मजा आ गया स्विमिंग कर, अभी जिधर जाएगा उधर स्विमिंग पूल नहीं है, इसलिए मैंने अच्छे से स्विमिंग कर ली। सुबह ही जाने वाली थी, बाद में सोचा नहीं बच्चे लोग सोए हैं, अगर मैं अंदर डूब गई तो मेरे को पता चलेगा कौन, इधर का फॉरेनर भी सब बूढ़े बूढ़े है। मैंने नहीं की डर के मारे, मैं चक्कर मार के ही उधर चल बाय। चलो मम्मी का तो हो गया, हम लोग भी रेडी हो जाते फट से, फिर आते हैं ना। All right, तो फाइनली हम लोग ने वो होटल से चेकआउट कर लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे दूसरे BNB में, वहां पर हम 2 दिन के लिए रुकेंगे। और मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, मैं अंदर आके देख के आया और ये सबसे बेस्ट BNB है। टिंग टिंग टिंग, ठीक है, ये पूरे गोवा का मैप है और ये है खाने पीने का मैप, मतलब कहाँ पर अच्छा है, और ये थोड़ा सा हाउस रूल्स है। यहाँ पर से अंदर आए हम, ये पूरा रूम है ना, काफी हाई स्पीड इंटरनेट है। और यहाँ पर एक चीज है कि तुम लोग को 2 वेस्ट होंगे, एक फूड अगर तुम बाहर से मंगाते हो और एक ड्राई वेस्ट। दूसरी बात है कि गोवा में लोग दारू बहुत पीते, तो ये रिसाइकल करने के लिए अभी आ जाए। यहाँ पे ये है लॉन्ड्री रूम, यहाँ पर है सारा सब कुछ, तुम अपना धो सकते हो मतलब कपड़े। ये है बेडरूम, एकदम ही प्रिटी बेडरूम है। ये हो गया बाथरूम, एकदम सर्वोच्च क्लीन बाथरूम, सारा सब कुछ एकदम क्लीन। ये है दूसरा बेडरूम, यहाँ पर मेरी मम्मी रहेगी। और मम्मी कैसा लगा घर? ये मम्मी का बाथरूम, जाइए मूथ कराइए, आपको मूथ नहीं लगी? अभी मैं तुम लोगों को बताता हूँ फन रूम। ये है यहाँ का फन रूम, इतना प्रिटी, इतना प्रिटी। इधर बैठते तुम चाय की चुस्कियाँ मारो, नीचे थोड़े थोड़े गेम्स हैं, ऊनो भी है, ऊनो है भैया, खेलना नहीं आता बट ऊनो है भैया। यहाँ पर तुम थोड़े से फोटोशूट कर लो, इधर बहुत अच्छा फोटोशूट होगा। स्मोकिंग रूम जो हम यूज करते नहीं, क्योंकि हम स्मोक करते हैं। यहाँ पे पड़ोसी है, ये वही है, तुम यहाँ पर रह के लपा छुपी खेल सकते हो लोगों के साथ। सबसे मेन बात तुम लोगों को अभी बता दो, वो स्कैच उसकी वाला फील है भाई। यहाँ पे भाई है दूंगा, सबसे बेस्ट चीज यहाँ पर है। अंकिल ने बोला कि हम लोग ये यूज करने वाले सेकंड लोग। सारा सब कुछ स्टॉक किया हुआ है अंकल ने ऑलरेडी, अंकल आंटी ने, है ना। ओरियो बिस्किट, पोलो,
नीचे क्या है, राइस के ये है, चना मसाला, ये सब च्युइंग गम है, वेज सूप है, सब सारा सब कुछ। ये सब पैसे से खाना पड़ेगा ना, बनाना है तो। हाँ, यहाँ पर जिलेट का फोम है, रेजर है, बैटरी है और कुछ कुछ चीज है, ओवन है, फ्रिज में भी अंडे कोक स्टॉक करके रखा हुआ, मिक्सर भी है, ब्रेड का ये मतलब, और क्या चाहिए जिंदगी में। ये मेरे हिसाब से अभी तक का बेस्ट B&B है, सर्विस वर्विस सबके साथ, थोड़ा सा सब कुछ इसका रेट लिखा हुआ है, मतलब कि तुम कुछ भी यूज करोगे ऑब्वियसली, बट सब कुछ MRP पे, मतलब MRP से बढ़ा के कुछ नहीं लगा है, और ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री, ये चाय कॉफी, समझ रहे हो, तो मतलब मेरे हिसाब से इससे अच्छा चीज हो नहीं सकता। पैसे अभी इसके बाद मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, ये रूम का भी और कूपन कोड ऑफ वाले का भी, अगर तुम मेरे लिंक से ये रूम को बुक करोगे तो तुम लोगों को 3,000 रुपया ऑफ मिलेगा, अगर खुद से करोगे तो देख लो, करने का तो कर लो, अगर तुम मेरे इससे करोगे तो मेरे को भी 1,000 रुपया मिलेगा बट तुमको 3,000 रुपया मिलेगा, तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है ना, तो आज के लिए इतना ही काफी है। मम्मी ये देख पप्पी किया मेरे को, पप्पी किया ये देख, हाथ पे लाल लाल, कितने की जगह पे देख चुकी है काला काला। अंदर बैठ अंदर बैठ अंदर बैठ। ओके, तो मतलब अभी मैं भूल गया अपना बैग वो होटल में, एज यूजुअल मेरी मम्मी ने बोला कि मैंने चेक किया रूम, बट मेरी मम्मी गोवा के इतने बुर हो गई है कि मेरे को दो दो सूटकेसेस दिए, उसके साथ दो दो हैंडबैग दिया है संभालने को, तो मैं एक भूल गया रहेगा बैकपैक अपना, मेरी मम्मी ने बोला मैं चेक करके आती हूँ, पता नहीं अंदर जाके भी लगता है फोटो खींचा के, मेरे बैग को रख के पीछे फोटो खींचा के बाहर आई रही। तो अभी वो होटल में जा रहे हैं हम लोग बैग पिक करने, उसमें मेरा मैकबुक भी है, और फिर हम लोग लंच करेंगे, और फिर कौन से बीच जा रहे हैं हम, बटरफ्लाई, पहले मैं बैग ले लेता हूँ यार, बहुत दैट्स राइट। अभी आया यहाँ पर अर्जुना कैफे में आया, जो मतलब काफी ज्यादा अच्छा है, ऐसा वाइब वाइब ना, फटे हिप्पी जगह है ये, ये लड़की ने ढूंढा हुआ है, देखो कैसा लगा जगह, मजा है, मजा आ रहा है, मेरी मम्मी फुल पावर मजे कर रही है ना गोवा में, एक नंबर। तो ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, 2:30 हो गया, और इधर से वो बीच कितना दूर है, 1.5 आवर दूर है, तो मतलब काफी ज्यादा टाइम लगेगा आया मैं। तो हम लोग ने अभी खा लिया यहाँ पर, ये काफ़ी अच्छा है, वेज मिलता है यहाँ पर और एग मिलता है, चिकन मिलता नहीं है, और यहाँ पर ऑर्डर आने को बहुत टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है कि मेरे को लगता है कि वो जो कुक है वो ऑर्डर बनाता है, बैठ के आराम से पहले खुद खाता है और फिर लोगों को देता है, ऐसा मेरे को लगता है, इतना टाइम लगता है यहाँ पे ना। बाकी है अच्छा, टेस्ट वेस्ट अच्छा, आके देख लो, ऐसा बहुत कुछ है, योगा होता है, कथक क्लासेस होते हैं, तो देख लो तुम लोग आके यहाँ पर, ठीक है। 4 बज गया, पहुँचते पहुँचते 6 बज जाए, मतलब सनसेट होपफुली देखने को मिल जाए तो मजा आ जाए। और अभी फिलहाल हम लोग को एक बहुत अच्छा कॉफी केक शॉप दिखा है, बहुत प्रिटी है, बीच हाईवे से इसी में यार, तो खूबसूरत है, तेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा। अभी फटफट पहुंचने हैं क्योंकि अब 6:30 हो गया, पहले हम 6:06 को पहुंचने, भैया 6:30 को पहुंचेंगे, सुन तो ले, उससे पहले बहुत अच्छा केक खिलाया यार, चलो आया पहुंच के। फक मैं बता रहा हूँ, हम लोग बहुत ड्राइव करके आए, ऑलमोस्ट 2.5 hours ड्राइव करके, रॉन्ग टर्न यू टर्न ले लेके हम लोग फाइनली पहुंच गए बीच में। अब इसने तो बोला था कि वाइट सैंड होगा, सैंड तो नॉर्मली दिख रहा है मुझे अब तक, हाँ जो लालच दे के आई है कि वाइट सैंड हो गया, सैंड तो वाइट दूर दूर तक नहीं दिख रहा। लोग मतलब ऐसा है तो सही, अच्छा ही है, काफी मजा आ रहा है तेरे को, बहुत मजा आ रहा है, तुम दोनों डुबकी मारो तो और मजा आएगा, मतलब जरूरी है यार, अगर गोवा में आके थोड़ा भी समंदर में नहीं गया तो क्या गया यार, जरूरी है प्लीज।
ये जो नजारा है ये बहुत ऊपर है, जो कलर्स दिख रहे हैं ना इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। फाइनली अभी इतना सब कुछ होने के बाद तो घर पे आ चुके एकदम एक्सट्रीम थके हुए। आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही होना चाहिए क्योंकि इसके बाद तो एनर्जी बिल्कुल नहीं है। बेचारी जितना ड्राइव करके आई है ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर आज। शाउट्स ब्रो, शाउट्स। अगर तुम लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया तो मेक श्योर यू गाइस लाइक इट, बहुत सारा लाइक्स हो, बहुत सारा लाइक्स। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर डालो भाई लोग, क्योंकि इससे तुम्हें भी अच्छी नींद आएगी, मुझे भी अच्छी नींद आएगी, तुम भी खुश हो जाओगे, मैं भी खुश हो जाऊंगा। तो मिलते हैं अपन बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। ऑलराइट, सी यू गाइस, टेक केयर, पीस।